आज हम आपको सिंपल बेल्ट वाली शलवार की स्टिचिंग सिखाएंगे। कटिंग मैंने इसकी पहले से कर ली है। इसके लिए सबसे पहले हमें शलवार की लेंथ के हिसाब से ये पाँचों की कटिंग करनी है। ये दो पाँचे, ये देखिए इस तरह से, ये चार फोल्ड किए हुए, ये दो पाँचे हैं, ये चार फोल्ड हुए हुए, ये दो पाँचे हैं, और इस तरह से ये हमने कटिंग की है। आपके ट्राउज़र की जो भी लेंथ हो उससे आप 8 इंच कम कर लीजिएगा। और इस तरह से ये पहले इस पाँचों की कटिंग करेंगे हम, फिर हम कलियों की कटिंग करेंगे। कलियाँ भी इसी साइज़ की होंगी, इसी मेजरमेंट की, इसके हिसाब से रख के। और ये आसन का निशान जो हम लगाएंगे, इसको बेल्ट के अकॉर्डिंगली कम कर लेंगे। बेल्ट हमारा आएगा 10 इंच का या 9 इंच का बेल्ट, तो हम उसके हिसाब से इसकी कटिंग इसको कम कर लेंगे। हमने इसी के हिसाब से इसकी आसन की लंबाई रखी है, प्लस इसको 10 इंच हमने ये चौड़ा, ये देखिए ये मैंने बेल्ट की कटिंग की है। यहाँ पर ये बेल्ट है इसका, ये देखिए ये हमने बेल्ट की कटिंग की है, जिसमें कि ये 10 इंच लंबा है और 23 इंच चौड़ाई है इसकी। ये बेल्ट की कटिंग इस तरह से करके रख ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू कर लेते हैं। ये देखिए हमने सिटल में धागा इस तरह से भर लिया है और मैंने इसको इसमें अटैच कर दिया। ये देखिए इस तरह से अब हम इसको सिलाई मशीन में लगा देंगे। सिलाई मशीन को ऊपर के ऊपर छोटे से किसके जगह से लगा देंगे। और ये धागा देखिए ऊपर का धागा है। अब हम कली की सीधी साइड और ये पाँचे की सीधी साइड लेकर इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरह से रखकर इसको स्टिच कर लेंगे। हमने इस तरह से सिलाई कंप्लीट कर ली है। इसी तरह से एक साइड पे कंप्लीट कर ली। अब ये दूसरी साइड पे हम पाँचे की दूसरी साइड पे इस तरह से इसको रखकर और दूसरी कली रखकर, ये दूसरी कली इस तरह से हम रखकर इसको भी स्टिच कर लेंगे। इसको भी इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों ही साइड पर इस तरह से, ये देखें, दोनों ही कलियों को पाँचे के साथ स्टिच कर लिया है। ये देखें इसी तरह से हम दूसरा पाँचा भी रेडी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही पाँचे हमने रेडी कर लिए हैं, ये अटैच कर लिए हैं कलियाँ इसके साथ। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक कली की साइड है ये वाली साइड को लेकर ये दूसरी कली की साइड से यहाँ पर आसन वाली साइड जो है ये हमारी, इस पर हम स्टिच कर लेंगे। इसको एक स्टिच कर लेंगे इस तरह से। मैं इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर रही हूँ आसन की सिलाई पर, क्योंकि ये हमारे पास लिलन का कपड़ा है और लिलन में बहुत ज़्यादा धागे निकल जाते हैं, तो मैं इसको इस तरह से करूँगी ताकि ये बहुत जल्दी इसके धागे ना निकलें और ओवरलैप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इस तरह से हमें सिलाई करने से। Thank you.
देखिए एक साइड हमने आसन की सिलाई कंप्लीट कर ली है, ये देखिए आसन की सिलाई हमने एक साइड पे लगा ली, इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स आसन की सिलाई हमने कंप्लीट कर ली, ये देखिए इस तरह से। अब बारी आती है चुनों की, बेल्ट वाली सलवार में बेल्ट और चुने किस तरह से डलती हैं वो आपको बताते हैं। ये देखिए ये जो पाइचों वाला साइड है इसका हम सेंटर पार्ट ले लेंगे, ये बिल्कुल सेंटर पार्ट है, इस पर निशान लगा हुआ है और इससे 2 इंच अंदर की तरफ हम गहरी चौड़ी प्लेट डालेंगे इस तरह से। ये हमने इस तरह से पहले सिलाई लगानी है, 2 इंच मैंने अंदाजे के हिसाब से 2 इंच ले लिए है, 2 इंच की प्लेट हम इस तरह से इसको स्टिच कर लेते हैं। और अब हम इस पर इस तरह से चुने डालते हुए सिलाई लगाते जाएंगे दूसरे पाइचे तक। ये हमने एक पाइचे से शुरू करा है और अब हम दूसरे पाइचे तक इस पर सिलाई इस तरह से चुने डालेंगे। ये देखिए ये हमारा दूसरा पाइचा है और ये इसका सेंटर पार्ट है। हम इसको यहाँ तक की चुने हम डालेंगे और फिर यहाँ पर जब एंड आएगा तो हम इसको यहाँ से दोबारा से इस तरह से फोल्ड कर यहाँ पर एक चौड़ी प्लेट डाल देंगे और ये बेल्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं चुने डालना। फ्रेंड्स चुने डालते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि ये चुनो वाला जो हमारा पार्ट है ये 9 इंच से ज़्यादा चौड़ा ना हो। तो अगर आपके पाइचे कलियां वगैरह आपने ज़्यादा गहरी डाली हैं, चौड़ी कलियां डाली हैं, तो आप चुनों को ज़रा गहरा कर लीजिएगा ताकि ये पार्ट जो चुनों वाला पार्ट है हमारा ये 9 इंच से ज़्यादा ना हो। ये देखिए फ्रेंड्स ये दूसरे पाइचे का सेंटर हिस्सा आ गया है, ये यहाँ से ये सेंटर है। तो हम इसको यहाँ से इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और ये जो बाकी हिस्सा है इसमें हम इस तरह से चुने डाल देंगे, देखिए, और इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये हमारी चुनों वाली सिलाई हो गई है कंप्लीट। हम आपको इसको मेजर करके बताते हैं कि ये कितनी है। ये देखिए फ्रेंड्स चुने हमने डाली और ये जो चुनो वाला हिस्सा जैसे कि हमने आपको बताया था, कोशिश करिएगा कि ये सिर्फ 9 इंच या इससे ज़्यादा ना हो, 9 इंच या 10 इंच। और ये देखिए हमारे चुनो वाला पार्ट ये बिल्कुल परफेक्टली 9 इंच ही आया है, ये देखिए। अब हम इसकी बेल्ट की सिलाई लगा लेते हैं। बेल्ट जो कि हमने 10 इंच हमने इसकी लेंथ ली थी और 23 इंच इसकी चौड़ाई है। ये दोनों दो हिस्से हैं, इसको हम इस तरह से अटैच करके, ये देखिए दोनों को आपस में इस तरह से करके सिलाई लगाते हैं। यहाँ पर हम सिलाई लगाते हैं ये लेंथ वाले पार्ट पर इसके। अब हम इसको इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसकी नेफे की सिलाई लगाने के लिए यहाँ से ये जो हमने सिलाई लगाई है बेल्ट की इसको इस तरह से स्टिच करेंगे ताकि हम नेफा बना लें इसका। ये देखिए इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और यूँ करेंगे, टर्न करेंगे, इस तरह से सिलाई लगाएंगे, फिर टर्न कर देंगे हम इसको। इस तरह से सिलाई लगाइए, ये देखिए अब हम इसकी नेफे की सिलाई लगा रहे हैं इस तरह से।
भी देखिए ये हमने नीचे की सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है इस तरह से। अब बारी आती है इसको इसमें अटैच करने की। तो ये देखिए ये जो नेफे वाला हिस्सा है, ये जो सेंटर का पार्ट, ये सेंटर सामने का हिस्सा है, हम इसको ये जो चुनो वाली साइड है ये इसके सेंटर पार्ट है। ये देखिए इस तरह से इसको जोर से जोर रखकर इस तरह हम ये वाला सीधा साइड है और ये भी सीधा साइड है, सीधे साइड से सीधे साइड रखकर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए ये मैंने पैंचे हम तैयार कर रहे हैं इसके लिए। ये 1 इंच की हमने फ्यूज पेपर लिया है, इसको इस पर इस तरह से अटैच कर देंगे। देखिए अब हम इस पर इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे यहाँ पर। चूँकि आपको जितनी सिलाई लगानी है लगा देंगे। और ये पैंचा हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए इतना ब्यूटीफुल पैंचा तैयार हो गया। ये देखिए दूसरे पैंचे की भी सिलाई हमने इस तरह से लगा ली है। अब हम साइड की सिलाई से इसको बंद कर देंगे इस तरह से। ये हमने पैंचे आपको जितने भी रखने हैं मैं यहाँ पर छोटे ही रखूँगी और इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर पक्का कर लेंगे हम।
लिया है। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये बेल्ट वाली शलवार रेडी हो गई है। इतने आसान तरीके से मैंने स्टिचिंग सिखाई है आपको। तो आपको अगर पसंद आई हो वीडियो तो बताइएगा, ताकि मैं आपके साथ और स्टिचिंग की वीडियोस भी शेयर करूं। ये देखिए बहुत ही आसान है। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि बेल्ट वाली शलवार सीना बहुत ही मुश्किल काम है कोई, लेकिन ये देखिए बिल्कुल आसानी से ही बन जाती है और अच्छी लगती है। उमूमन जो हमारी बड़ी उम्र की खवातीन होती हैं, जैसे कि हमारी अम्मी, हमारी नानी, हमारी दादी वगैरह, वो ट्राउज़र वगैरह नहीं पहनती, तो वो उसके शलवार ही पसंद करती हैं। उनके लिए हम बनाते हैं। मेरी अम्मी भी शलवार ही पहनती हैं। ये देखिए पांचे बहुत अच्छा ये रेडी हो गया है शलवार, और आजकल तो फैशन में भी है शलवार, तो आप बनाइएगा और वीडियो के बारे में फीडबैक दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।